हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हो। हमें इस गेम को बनाते हुए लगभग एक महीना हो चुका है और इन 30 दिनों में हमने इसमें बहुत सी प्रोग्रेस किया। यहाँ मैंने इसकी पहली वीडियो लगभग 30 दिन पहले अपलोड की थी और उसके बाद इसकी सेकंड वीडियो में इसके साथ इसका डेमो भी पब्लिश किया था। डेमो को पब्लिश करने के बाद तुम लोगों का रिस्पॉन्स इतना अच्छा था और उसके बाद अब है इसके पार्ट 4 की बारी, जिसके साथ हम इसका एक और नया डेमो वर्जन अपलोड करने वाले हैं। चलो यार, तुम और हम मिलके आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं हम मैप को बनाने से, क्योंकि यार पिछले वाले अपलोड में तुम लोगों को मैप बिल्कुल पसंद नहीं आता। यार सच्ची बात बोलूं तो यार मेरे को खुद को मैप अच्छा नहीं लगा था, तुम्हें कहां से लगेगा। इसलिए यार सबसे पहले मैं इसका मैप को चेंज करने लगता हूं। चेंज करने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं मैप मैजिक 2 टूल का। यार ये यूनिटी में टूल है, इसके साथ हम टेरेन को जनरेट कर सकते हैं। जनरेट करने के बाद बिल्कुल ही रियलिस्टिक टेरेन हमारे पास आ जाती है। फिर मैं उसको एडिट करना शुरू कर देता हूं। मैप को एडिट और प्लेयर को सेटअप करने के बाद अब बारी थी इसमें मिले वेपन को ऐड करने के लिए। इसके लिए यार सबसे पहले तो मैं इसके लिए कोडिंग करता हूँ। कोडिंग करने के बाद इसकी मैं एनिमेटर में एनिमेशन को असाइन कर देता हूँ। एनिमेशन को असाइन करने के बाद और इसमें ट्रिगर को लगाने के बाद फाइनली मेरे अटैक की एनिमेशन प्ले होने लगती है। अटैक एनिमेशन को ऐड करने के बाद अब बारी थी कलेक्टेबल आइटम्स को बनाने की। इसके लिए यार मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ एप्पल, जो तुम्हारी हेल्थ को रिप्लेनिश करेगा, और वुड, जो तुम्हारी बिल्डिंग और क्राफ्टिंग में हेल्प करेगी, और साथ में स्पाइडर वेब, जो तुम्हारे बांधने के काम आएगा। यार स्पाइडर वेब तुम्हारे हर एक चीज को क्राफ्ट और बिल्ड करने में इस्तेमाल होगा, इसलिए तुम्हें स्पाइडर को भी मारना पड़ेगा। अब मैंने आइटम्स तो बना दी थी, अब बारी थी इनको स्टोर करने की, जिसके लिए मेरे को चाहिए थी इन्वेंटरी। यार इन्वेंटरी बनाने से पहले मैं इन्वेंटरी का यूआई बनाता हूँ, क्योंकि पिछले वाली इन्वेंटरी इस वाले सिस्टम के साथ काम नहीं कर रही थी, इसलिए मेरे को नई इन्वेंटरी खुद से बनानी पड़ी। यार सबसे पहले तो मैं आइकन ले लेता हूँ, जो चीजें मैंने स्टोर करनी होती है। अभी के लिए मैं वुड और स्टोन ही ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी और आइकन नहीं थे इस टाइम पे। उसके बाद मैं फिर एक नया पैनल लेता हूँ, फिर उसके बीच में नए नए आइकन्स को ऐड कर देता हूँ। इन सभी आइकन्स को ऐड करने के बाद फिर मैंने एडजस्ट करना शुरू कर देता हूँ। इन सबको एडजस्ट करने के बाद यार मेरी इन्वेंटरी कुछ ऐसी दिख रही होती है। इन्वेंटरी के आइकन्स को सेट करने के बाद अब बारी थी इसके लिए कोडिंग लिखने की, क्योंकि इसकी जो इनपुट और हैंडलिंग है वो सिर्फ कोडिंग से ही हैंडल होगी। कौन सी चीजें एक्टिव होगी, कौन सी चीज डीएक्टिव होगी, कौन से आइकन को प्रेस करने के बाद कौन सी चीज एक्टिव होगी, कौन सी आइटम स्टैकेबल है, कौन सी आइटम स्टैकेबल नहीं है, ये सब कुछ हैंडल होगा कोडिंग से। और इसी के साथ इसकी कोडिंग बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी यार। और फाइनली हमारी इन्वेंटरी सिस्टम यार वर्क करना शुरू कर देता है। अगर तुम लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो देख क्या रहे हो, इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसी वीडियो को देखने के लिए। और डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक है, उसे क्लिक करो और डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लो यार डेली अपडेट के लिए। हमारे इन्वेंटरी सिस्टम के बनने के बाद अब बारी थी इसके लिए क्राफ्टिंग सिस्टम को बनाने की, जिसके लिए यार सबसे पहले मैं एक यूआई लेता हूँ और उसमें एक पैनल को ले लेता हूँ। पैनल को ऐड करने के बाद अब उसमें मैं आइकन्स को ऐड कर देता हूँ, जैसे कि मैंने अपनी रेसिपी को बनाया होता है। इन सबको ऐड करने के बाद हमारा जो यूआई है वो कुछ इस तरह का दिख रहा था। अब बारी थी इसके लिए कोडिंग को करने की, कौन सी रेसिपी किसके लिए होगी इसको सेट करने की। इसके लिए यार मैं कोडिंग करना शुरू कर देता हूँ। कुछ टाइम तक कोडिंग करने के बाद और फाइनली यार पहली बार में ही हमारा क्राफ्टिंग सिस्टम काम करना शुरू कर देता है। अब तक हमारा क्राफ्टिंग सिस्टम और इन्वेंटरी सिस्टम बनके तैयार था और अब बारी थी इसके लिए एक बिल्डिंग सिस्टम को बनाने की, क्योंकि तुम लोगों की सजेशन थी कि इसमें एक बिल्डिंग सिस्टम भी होना चाहिए। इसके लिए यार सबसे पहले तो मैं इसके आइकन को सेट कर लेता हूँ और उसके बाद इसके स्क्रिप्टिंग पार्ट पे आ जाता हूँ। वैसे तो इसकी स्क्रिप्ट लिखने में बहुत सारी परेशानी होती है, क्योंकि मैंने पहले बिल्डिंग सिस्टम को बनाया नहीं था, फिर भी यार हम लास्ट में इसको बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अपने मेन मैकेनिज्म को बनाने के बाद अब बारी थी इसके लिए सेविंग सिस्टम को बनाने की, क्योंकि यार सेविंग सिस्टम यार आराम से मेरे 2 से 3 दिन ऐसे ही खा जाता है। सेविंग सिस्टम को बनाने के बाद फिर बारी थी इसके पोज मेन्यू की बनाने की, जिसमें मैं इसकी सेंसिटिविटी को ऐड कर देता हूँ। वहां से तुम लोग इसकी सेंसिटिविटी को एडजस्ट कर सकते हो। इन सबको बनाने के बाद अब बारी थी इसमें पोकेमॉन्स को ऐड करने की। फिर मैं धीरे से सभी पोकेमॉन ऐड कर देता हूँ, जैसे कि हमारा बल्बासोर वाला पोकेमॉन, और साथ में एक इसमें बियर को ऐड करता हूँ, और छोटे छोटे और भी पोकेमॉन जो तुम लोग इस गेम में ही देखोगे। और इस बार मैंने इसमें पोकेमॉन को पकड़ने का सिस्टम भी ऐड कर दिया है, अब तुम इसमें पोकेमॉन को भी पकड़ सकते हो। हालांकि अभी तक इसमें सिर्फ तुम लोग 2 ही पोकेमॉन को पकड़ सकते हो, एक है हमारा बल्बासोर और दूसरा है हमारा बियर। इस वाले अपडेट में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यार मोटिवेशन मिलती है, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कर सकते हो और मोबाइल में टेस्ट कर सकते हो। और यह रही हमारी अब तक की प्रोग्रेस।